गलतियों की निशानदेही पर एमकैट इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर्स देने का फैसला किया है। टीएमसी के मुताबिक उसमें इजलास हुआ है, उम्मीदवारों की शिकायत का जायजा लिया गया है। इजलास में क्या फैसला किया गया है जानते हैं नुमाइंदा रोजनामा जंग सैयद मोहम्मद अस्करी ने हमें ज्वाइन किया। अस्करी कहिएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या इजलास में फैसला हुआ है? इतवार को एमडी कैट का टेस्ट हुआ था जिसमें मुल्क भर दुबई और रियाद में भी टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट को यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक तो उम्मीदवार से शिकायत की कि पर्चे आउट ऑफ क्वेश्चन थे, सवालात बाहर थे, यानी जो टेस्ट था उससे बाहर थे। इसके अलावा कुछ गलतियां भी थी आंसर की में, तो उन सब की शिकायत का जायजा लिया गया। डॉक्टर नौशाद से और उसमें किया गया है उम्मीदवारों को रियायत दी जाएगी और जहां जहां शिकायत है जो जो गलतियां हैं उनका उनको इस मद में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो एक हफ्ते में ये ग्रेस मार्क्स जो है उनकी वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। टीएमसी की वेबसाइट पर ये बड़ा फैसला है, उम्मीदवार बड़े परेशान थे। वीडियो जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अस्करी, आपने डिटेल्स दी।